वेलकम फॉर वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और फिर मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का इस हफ्ते की दूसरी फिल्म यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म आदु जीवितम द गोट लाइफ के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? 2024 यहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बाप साल रहा है, चाहे ब्रह्मयुगम हो, यहाँ पर ममूटी जी की जो कि एक क्लासिकल मूवी थी, उसके बाद मंजुमल बॉयज हो जो कि एक आउटस्टैंडिंग मूवी है, उसके बाद प्रेमलू हो जो कि इस तरह की लव स्टोरी बहुत ही रेयर बनती है, एंड अब गाइज यहाँ पर इस साल का चौथा जैम आया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से, वो है नन देन द गोट लाइफ। हम इस पूरे रिव्यू में इसका नाम द गोट लाइफ ही रखेंगे। ये फिल्म देखने के बाद लिटरली रात भर बदन में एक बहुत अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी, मन जो है ना वो बेचैन हो गया था। कल जब मैं इसको थिएटर में देख रहा था बैठकर, आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। ये फिल्म आपको इसके लास्ट डेढ़ घंटे में इतना अनकम्फर्टेबल कर देगी, आपके मन में एक बेचैनी से आ जाएगी, यू विल गेट एंग्शियस, एक एंग्जाइटी सेट इन हो जाएगी आपको, क्योंकि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरमेंट जो ये फिल्म यहाँ पर बड़े पर्दे पर दिखा रही है, लिटरली आई कुड फील ऑडियंस की बेचैनी, एंड बोलते हैं ना एक अनकम्फर्टेबलनेस सेट इन हो रहा था। पूरा का पूरा रेगिस्तान में तीन लोग किस तरह से रास्ते की तलाश में भटक रहे हैं, उनको सांप मिलता है, रैटल स्नेक मिलता है वहां पर, इतनी धूप में बिना पानी के बिना खाने के वो बाकायदा नमाज पढ़ रहे हैं वहां पर, पैरों में छाले आ जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, पानी का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। जो लास्ट डेढ़ घंटा है ना इस पिक्चर का, लिटरली बोल रहा हूँ, रूह कांप जाएगी इंसान की, करे क्या रेवेनेंट, क्या लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्या वो 127 डेज जो भी वो पिक्चर थी, वो 24 आवर्स, क्या कोई हॉलीवुड की फिल्म? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल ड्रामा फिल्म्स आई हैव सीन माय होल लाइफ। लिटरली मुझे लगा था ये फिल्म मारियन जैसी होगी, धनुष की एक फिल्म है बहुत साल पहले आई थी, लेकिन जब मैं ये फिल्म देखने के लिए बैठा, इनिशियली 15-20 मिनट आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी एवरेज सी फिल्म लगेगी, किस तरह से एक इंसान जो है, अभी ऑब्वियसली इंडिया फैसिनेशन, हमारे जितने भी इंडियंस स्पेशली जो मलयालीज है उनका एक फैसिनेशन है, जब तक दुबई नहीं जाएंगे, जब तक गल्फ कंट्री नहीं जाएंगे उनको मन पसंद नहीं आता। आधा से आधा जो केरला है या फिर साउथ है वो दुबई में है। अगर आप सऊदी जाओगे तो देखोगे बहुत सारे मलयालीज जो है वहां पर काम काज के लिए, रोजी रोटी के लिए वहां पर, बहुत सारे से उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वहां पर काम कर रही है, ना अच्छी बात है, I mean, रोजी रोटी की तलाश में हर आदमी जाता है देश से बाहर। एंड गाइस ये एक नॉर्मल स्टोरी लग रही थी कि वापस से कोई एक मलयाली है जो कि सऊदी जा रहा है काम काज के लिए, एंड किस तरह से उसकी जिंदगी शायद पलट जाएगी। आई वेंट विद 0 expectations टू दिस मूवी, सीरियसली बोल रहा हूँ, एंड जब ये फिल्म सेट इन हुई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह कांप गई, मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये फिल्म आपको खींच लेती है, इतना गंदा तोड़ेगी ना फिल्म तुम लोग को, जब तुम थिएटर से बाहर आओगे एक एक बूंद पानी अपनी जिंदगी का शुक्रिया अदा करोगे ऊपर वाले से, एंड लिटरली बस आसमान और रास्ता देखकर है ना, बस रास्ता और आसमान है मेरे लिए, ये शुक्र मानोगे। एंड व्हाट अ लेजेंड इज पृथ्वीराज सुकुमारन, इनको अगर लेजेंड की फेयर लिस्ट में मैं रख दू ना तो कोई दो राय नहीं होगी। एंड जब घर पर आके मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा कि इस तरह से डायरेक्टर ब्लेसी 2008 से जो है स्टोरी है यहाँ पर, ये कहानी है इंसान की, उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहता है, 2012 तक स्ट्रगल किया, 15 में जाकर फिल्म जो है फाइनलाइज हुई, हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स आए, पृथ्वीराज सुकुमारन आया, 2017-18 से प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म की शुरू हुई केरला में, जहाँ पर पृथ्वीराज ने इस फिल्म के लिए पहले बहुत सारा किलो बढ़ाया, उसके बाद किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा क्रू जो है फंस गया था यहाँ पर क्वारंटीन में, कोविड के टाइम पर 70 दिन आई थिंक जॉर्डन में फंसा था, इंडियन सरकार उनको वहां से लेकर आई थी वापस, वहां की सरकार ने शूटिंग बंद कर दी थी फिल्म की, किस तरह से सऊदी में शूट करने का परमिशन नहीं दिया इन लोगों को, वापस से 30 किलो घटाया। अरे क्या क्रिश्चियन बेल, क्या कोई एक्टर, वी हैव पृथ्वीराज सुकुमारन। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, ये पिक्चर देख के मैं बहुत अनइजीनेस लग रहा है, बहुत गिडीनेस है, तबीयत एकदम बिगड़ गई मेरी। दिस इज अ मास्टर क्लास मैन, द उसकी सिनेमाटोग्राफी, द वे दे हैव शोन द डेजर्ट, भाई इसके बाद तो डेजर्ट सफारी से मेरा मन उड़ गया है, मैं रेत देखूंगा चौपाटी की भी तो मैं दूर भाग जाऊंगा इस पिक्चर को देखने के बाद, मेरे से नहीं हो रहा है भाई। तुम लोगों को अगर एक बाप फिल्म देखनी है तो ये गोट लाइफ देख कर होगा, इस ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास फिल्म है, एंड डायरेक्टर इतना दिमाग लगाया है अपना कि वो अरबी बोल रहा है
एंड यहाँ पर हमको अरबी सबटाइटल भी नहीं दिए, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन को जो घुटन महसूस हो रही है उसकी अरबी ना समझने की वो ऑडियंस को भी होगी। 20% भी नहीं है, 18-15% डायलॉग है इस पिक्चर में। पूरी पिक्चर स्क्रीन प्ले के ऊपर है एंड व्हाट अ मूवी। कहानी शुरू होती है किस तरह से ये लड़का जो रहता है यहाँ पर काम की तलाश में सऊदी जाता है, इसके बाद एक और लड़का रहता है वहां पर एंड वो किसी और के लिए काम करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां का एक अरब रहता है जो है शेख रहता है वो उनको लेके चले जाता है टेम्पो में बिठाकर। अब एक लड़के को छोड़ देता है किसी और के पास और पृथ्वीराज सुकुमारन को लेके आ जाता है बकरे अड्डे में एंड वहां पर शीप है, मेमने हैं, अपना ऊंट है, बकरियां हैं, वहां लाके उसको फेंक देता है। अब साला दूर दूर तक देखो कम से कम 40-50 किलोमीटर तक रेगिस्तान है, कोई इंसान का अता पता नहीं, पानी तक नहीं है एंड किस तरह से वो उसको वहां पे स्लेव बना देता है, बंदी बना देता है एंड पृथ्वीराज सुकुमारन का बॉय ट्रांसफॉर्मेशन है, नाखून तक बढ़ाया है उसने, नाखून, दाढ़ी, उसके दांत, द डेंचर्स दे हैव यूज, मैडनेस है ये पिक्चर, ये मैडनेस है ये फिल्म। ये फिल्म रिव्यू करने के लायक नहीं है, ये फिल्म है ना लिटरली इसको नमस्ते करने के लायक है, क्या फिल्म बनाया है एंड किस तरह से वहां से इसकी कितनी नाकाम कोशिशें रहती है, वहां से जो है पूरा इलाका जहां पे फंस जाता है, बकरियां इसकी दोस्त बन जाती है। एक सीन में रो रहा है टूट टूट के, बकरी बेचारी दूसरी बकरियों को बुला रही है, बकरी को जिस तरह से लेके को प्यार करता है वो वाला सीन, किस तरह से वहां पार्टी हो रही है अरबों की एंड वो बकरा बना रहे हैं वहां पर, तो बोलते ले खा गोश्त खा तू, उसको बकरे की हड्डी देते खाने के लिए गोश्त के साथ, सामने उसके साथ बकरे बैठे हुए वो नहीं खा पाता है वो गोश्त, उसको इतनी वो हो जाती है, किस तरह से उसका गांव वाला वापस से उसको मिलता है एंड एक अफ्रीकन की मदद से वो डेजर्ट सफर जो शुरू करते हैं वहां से भागने का, उसका पैर तोड़ दिया जाता है, उसको गोली मारने की कोशिश की जाती है, उसको चाबुक से कोड़ों से मारा जाता है एंड इसी बीच ट्रांसिशन रहता है बिटवीन हिज ब्यूटीफुल लव स्टोरी अमला पॉल। केरला इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल स्टेट सॉरी, बहुत ही जबरदस्त जगह है केरला, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ के लोग, मलयाली पीपल वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पीपल आई हैव मेट। इनफैक्ट मैं तो 2015 से मलयालम फिल्म रिव्यू कर रहा हूँ एंड पृथ्वीराज जी कितनी फिल्में रिव्यू की है, लेकिन वो सीन्स जब अमला पॉल के साथ अंडर वाटर सीक्वेंसेज है, उसके रोमांस सीक्वेंस, उसकी शादी, किस तरह से उसकी पूरी बारात बोट में आती है, मलयालम सिनेमा इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा एग्जिस्टिंग ऑन प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। वो सीक्वेंस इतने ब्यूटीफुल है, जो ट्रांजिशन होता है पृथ्वीराज सुकुमारन की पुरानी यादें एंड उसके डेजर्ट में इस तरह से वो रड़ रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, जब पहली बार आई थिंक महीनों के बाद उसके मुंह पे पानी गिरता है, जिस तरह से वो कांपता है, जिस तरह से वो बात नहीं कर पाता, उसका एक पैर तोड़ दिया है उन लोगों ने, कपड़े तक चेंज नहीं कर पा रहा है एंड जब ऑलमोस्ट 6-7 महीनों के बाद वो अपनी पैंट पहनता है, कम से कम 12-15 इंच पैंट छोटी हो चुकी है, मेरे को लिटरली बोला ना थूक तक निकल नहीं पा रहा था, इससे सीन्स है इस फिल्म में, यू लिटरली गेट चोक्ड एंड फिर जब वो जर्नी शुरू होती है इनकी वो रेगिस्तान पार करने की, वहीं वो पिक्चर बाप बन जाती है। जब पृथ्वीराज सुकुमारन एंड में क्या होता है उसके साथ, किस तरह से क्या वो घर जा पाता है या नहीं जा पाता, ये एक बाप फिल्म है गाइस, दिस फिल्म कैन नॉट बी रिव्यूड, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है। यस, ये एक आर्ट जॉनर फॉर्मेट में है, ये आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करती, दिस इज फॉर द आर्डेंट फिल्म बफ्स जो सिनेमा को लव करते हैं, जो सिनेमा इंजॉय करते हैं, जो सिनेमा जानते हैं, सिनेमा वर्शिप करते हैं, उनके लिए फिल्म है गाइस। यहाँ पर बहुत ही आर्ट जोन में जाती है फिल्म, लेकिन दिस इज बॉर्डर लाइन क्लासिक मास्टरपीस सिनेमा एंड मैं कहता हूं अगर ये फिल्म हॉलीवुड में बनती है गाइस डेफिनेटली, वो कहते हैं ना हम लोग थंबनेल में लगाने के लिए काफी इजी है, ऑस्कर मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना ढिमका मिलेगा, अगर ये हॉलीवुड में बनती तो वहां के लोग इसको पक्का ऑस्कर दिलवाते थे। अब अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मेकर्स क्या इसको ऑस्कर के लिए भेजेंगे, क्या हमारे पास उतना पावर है कि हम इसको प्रमोट करें ऑस्कर में जाकर, आई थिंक डेफिनेटली अगर इसको ऑस्कर में भेजने का मौका मिलता है, वी कैन टेक हेल्प ऑफ मेनी पीपल, जैसे राजमौली ने RRR को ऑस्कर में प्रमोट किया था, उसी तरह से पृथ्वीराज सुकुमारन एंड द मेकर्स कैन गो एंड प्रमोट दिस, ये डेफिनेटली ऑस्कर लाएगी, नहीं नहीं करके पृथ्वीराज सुकुमारन तो एक्टर का अवार्ड लेके ही जाएगा। आई गिव 5 out of 5 stars फॉर दिस फिल्म द गोट लाइफ, जाओ इसको एक्सपीरियंस करो, सिनेमा घरों में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इट्स अ क्लासिक, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।